नमस्कार, स्वागत है आपका। एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके समक्ष लेकर आपका पसंदीदा शो मेरा गांव मेरा देश है का यूपी एडिशन। हर विधानसभा को टटोलने की एक हमारी कोशिश, जो कि अब तक तो सफल मालूम पड़ती है। और जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे वोटिंग प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे मतदान आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा ये कार्यक्रम भी आगे बढ़ रहा है। पश्चिमांचल से होता हुआ, पश्चिम की परिधि से होता हुआ, अब हम बुंदेलखंड इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, पूर्वांचल की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी दरअसल इस ओर बढ़ रहा है। हालांकि जो पार्टियां हैं बड़ी दिलचस्प बातें कर रही हैं। पार्टियों का कहना है कि पहले दो चरण में उन्होंने शतक लगा लिया है। समाजवादी पार्टी का भी यही कहना और लगभग लगभग बीजेपी का भी यही कहना है। एक अगले जो दो चरण होंगे उसमें दोनों ही पार्टियों का कहना है, सपा और बीजेपी का, कि अगले दो चरण में वो और 100 पार लेंगी, तो मतलब चार चरणों में कुल मेजोरिटी पाने का दावा कर रही हैं ये दोनों जो मुख्य पार्टियां इस बार मैदान में हैं। बसपा का हाथी इस बार थोड़ा सा शांति के साथ दौड़ रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो कमज़ोर है। कहा जा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बसपा भी जीत सकती है। कांग्रेस का उतना नहीं दिखा जितना कांग्रेस खुद सोच रही है, ठीक ठाक है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। बाकी आज जिस विधानसभा की हम बात करने जा रहे हैं वो है एक लाइन के साथ, उस विधानसभा को आप समझ जाएंगे। बहुत लड़ी मर्दानी थी वो, तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं झांसी की। तो झांसी नगर विधानसभा क्षेत्र आज आपको लिए चलेंगे और झांसी नगर में क्या कुछ चल रहा है, क्या माहौल है, इसको टटोलने की पूरी कोशिश करेंगे। झांसी में 2012-2017 में विधायक रवि शर्मा रहे। 2017 में तो इतना वोट पड़ा कि बंपर वोट पड़ गया, छप्पर फाट वोट मिला है। इन्होंने बसपा के नेताजी को हराया था, बसपा से जो कैंडिडेट थे वो रनर अप रहे थे। लेकिन ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि 2012 में रवि जीते और 2017 में रवि शर्मा जीते, और 2017 में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सीताराम कुशवाहा को लगभग 55,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया था। इतना मार्जिन रखा था वोटों का, 48.68% वोट पड़े थे 2017 में। तो एक बार फिर जब 2022 सामने है तो क्या झांसी इस बार कुछ बदलता हुआ नजर आया? झांसी नगर अगर 2000 में जीते थे रवि शर्मा और 2017 में एक बार फिर जनता ने उन पर भरोसा जताया था, क्या अब वो एक बार फिर देखने को मिलेंगे उसी तरह से? क्या एक बार फिर जीत सकते हैं? क्या हैट्रिक लग सकती है? या फिर इस बार जनता मूड में नहीं है तो क्या होगा? क्या सत्ता परिवर्तन की ओर जनता बढ़ रही है, उस ओर निहार रही है, या फिर सत्ता बरकरार रखी जाएगी, या फिर कुछ अलग ही देखने को मिलेगा? इन सभी मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे, आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तस्वीरें ऑन द स्क्रीन प्लीज, तस्वीरें चलाएंगे सबसे पहले स्क्रीन पर। तो झांसी में क्या माहौल है इसको जानने और समझने की आज कोशिश कर रहे हैं। झांसी नगर का क्या हाल है इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है, ये मैं आपको बता दूं कि सड़कें जो हैं वो ठीक नहीं है, उनकी समस्या है। और इसके साथ ही साथ सड़कों का हाल बेहाल है, पानी की समस्या बदस्तूर जारी है, और साथ ही साथ रोजगार भी एक बड़ा मसला है क्योंकि बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है। सीधे आपको लिए चलते हैं स्क्रीन पर, जहां हमारे साथ दो दर्शक हमारे जुड़ गए हैं। ऑन द स्क्रीन प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप दोनों ही महानुभाव जो है स्क्रीन पर है, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा सर। नाम बता दीजिएगा सर अपना। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नाम बता दीजिएगा सर अपना। जी मेरा नाम परमेंद्र सिंह है। त्रिवेंद्र सिंह, अरे दूसरे वाले साहब दूसरी खिड़की में, सर आप स्क्रीन पर हैं, ऑन एयर हैं, नाम बता दीजिएगा अपना। मेरा नाम संदीप सरावगी। ठीक है त्रिवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर माहौल क्या चल रहा है। तो त्रिवेंद्र जी ये बताइए कि अभी ऊपरी क्या माहौल आप समझ पा रहे हैं, झांसी में क्या कुछ चल रहा है, इसको बताने की थोड़ी कोशिश करिएगा। दरअसल ये है कि झांसी में आप सबसे ज्यादा तो जो बड़ी बड़ी पार्टियों ने वादे कर रखे थे, दावे थे कि हमने पलायन रोका है, विकास किया है, अब वो वही चीज देख रहे हैं। आज मैं भी युवा हूँ और युवाओं की बात करूंगा, ना तो पलायन रुका है ना ही किसी तरीके से अब विकास की कई बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, तो वादे और दावे जो हैं, क्या आज भी युवा वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, क्या युवा इन नेताओं के वादों और दावों पर विश्वास करता है?
क्योंकि आजकल युवा पढ़े लिखे हो गए, युवा समझते हैं कि भाई अब नेताओं के बहकावे में नहीं आना है, और अब जो धरातल पे काम होंगे और विकास के मुद्दे होंगे हम उन्हीं पर ही वोट करने वाले हैं, और ऐसे नेताओं से सावधान होने की बहुत जरूरत है हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिवेंद्र साहब डिस्क्लेमर नहीं आता, डिस्क्लेमर समझ रहे, जब LIC का एड आप देखते हैं टीवी पर या LIC के बोर्ड पर लिखा होता है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो इसके नीचे फिर लगातार एक लाइन चलती है बड़ी सरपट सरपट दौड़ी हुई, वो कहती है दिस इज म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क प्लीज, ऐसे ऐसे करके समझते हैं ना, लेकिन नेताओं के जो वादे और दावे हैं उसके पीछे कभी ऐसी लाइन नहीं चलती कि ये मार्केट रिस्क है भैया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अपने संयम के हिसाब से वोट देना, ये साइलेंट है पूरा। तो मुझे तो लगता है कि जब नेता मंच से भाषण देते हैं तो पीछे से बैकग्राउंड में ये भी लाइनें चलनी चाहिए, संयम के साथ वोट देना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो भी सकत और ना भी हो सकत। ठीक है, हमारे साथ एक और साथी, हमारे एक और साथी हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, आप शर्मा जी। शर्मा जी, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, क्या ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से? शर्मा जी, आप ही से सवाल कर रहा हूं, क्या ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से? शर्मा जी को शायद मेरी आवाज नहीं मिल रही है। शर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, शर्मा जी को शायद मेरी आवाज नहीं मिल रही है। त्रिवेंद्र साहब, आप ही बता दीजिए जी, क्या शर्मा जी नाराज हो सकते हैं बीजेपी से, क्या लगता है आपको? ऐसा है कि बीजेपी से नाराज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो निरंतर हिंदुत्व की बात कर रही है, बात खाली ब्राह्मण की ही नहीं है, वो तो हमेशा हिंदुत्व की बात कर रही है, हिंदुत्व के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ने का भी काफी प्रयास किया गया है, जैसे कि आपने तो अभी जानकारी में हो गई कि अभी परसों जो है योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर आकर एक दौरा किया, रोड शो किया है, उस समय तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन रही बात ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण के ऑलरेडी यहाँ पर दो दो प्रत्याशी हैं, एक जो रवि शर्मा है, दूसरे राहुल रिचारी है जो कांग्रेस से है। अगर ब्राह्मण में आप इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दिखेगा, ब्राह्मण बटा हुआ दिखेगा। ठीक है, ब्राह्मण बटा हुआ देखेगा, लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि बीजेपी तो हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन ये चीज़ और देखने वाली अहम होगी कि ठीक है हिंदुत्व का मसला ठीक है, लेकिन जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, अगर वो रोटी के साथ उन्हें सब्जी नहीं ला पा रहे हैं, वो इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो सब्जी की व्यवस्था कर सकें और सरसों का तेल ला सकें, ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या वो रोटी के साथ सब्जी की जगह हिंदुत्व लगा के कोरा खा लेंगे? मैं वही तो बात बोल रहा था आपसे कि विकास की बात हो रही है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन विकास नहीं दिख रहा है भाई। आज कोरोना काल से निरंतर युवा बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इस समय व्यापार बिल्कुल ठप है, व्यापार चल नहीं रहे हैं। अच्छा, एक बात बताता हूँ साहब आपको, आपने कहा कि विकास नहीं दिख रहा है, जब भी चुनाव हुए हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि उससे पहले की मुझे नहीं पता, लेकिन पाषाण काल से लेकर आज तक और आगे अनंत काल तक विकास कभी नजर नहीं आएगा। विकास जो है वो स्वयं ब्रह्मा है, विकास जो है वो स्वयं ब्रह्मा है, वो कभी नहीं दिखेंगे। 2007 में भी यही बातें कर रहे थे कि भैया सड़क कहाँ है, बिजली कहाँ है, पानी कहाँ है, बेरोजगारी बहुत है, दलित वंचित शोषित सब परेशान है। 2012 में भी यही था, 2017 में भी यही था, 2022 में भी यही था, और मैं बता रहा हूं आपको 2027 में भी यही रह जाएगा। इन मुद्दों को कभी कोई कर ही नहीं सकता पूरा, कभी नहीं कर सकता, विकास कभी देखेगा ही नहीं। अब आप बताइए, अब आपके पास है मोटरसाइकिल, अब लेनी है गाड़ी, अब पहले ली अल्टो गाड़ी, विकास दिखा आपको? नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको अल्टो के बाद लेनी है XUV, अब XUV आपने ले ली, विकास दिखेगा? नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि आपको लेनी है अब रेंज रोवर ले ली, विकास दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब आपको चाहिए प्राइवेट जेट, तो विकास तो पूरा हो ही नहीं सकता, और ये हो ही नहीं रहा है। लेकिन क्या है कि अगर एक गरीब की थाली में खाना रात का जा रहा है, इसको विकास के नाम पर आंक ले, क्योंकि विकास का जो पैकेट है दरअसल, उस पैकेट में है क्या? उस पैकेट में है बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व्यवस्था, इनमें कितना ही सुधार करेंगे और कहां तक हो सकेगा? तो इस चीज को समझना बहुत दरअसल जरूरी है हम लोगों का। और साथ ही साथ, अब शर्मा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? शर्मा जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए इसको थोड़ा टेस्ट कराएंगे कि शर्मा जी को आवाज मेरी क्यों नहीं मिल रही है। बात बाकी त्रिवेंद्र साहब को स्क्रीन पर लीजिएगा जरा। तो एक बार और स्क्रीन पर लीजिएगा। संदीप साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं बार बार ये पूछ रहा हूं आपसे बस।
हाँ हाँ सर आ रही है। हाँ तो संदीप जी आपका पूरा नाम क्या था? हमारा नाम संदीप सरावगी, डॉक्टर संदीप सरावगी। अच्छा सराउल, मैं शर्मा शर्मा बोल रहा हूँ, ठीक है मेरी गलती है। तो संदीप जी मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि अभी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि झांसी नगर में आप क्या देख रहे हैं, कि किस तरीके का माहौल है? झांसी नगर में हम एक समाज सेवी हैं और जनता की सेवा पिछले 22-23 साल से कर रहे हैं। चूंकि ये चुनाव में हम किसी पार्टी की शपथ नहीं लिए अभी तक, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। हमारे झांसी में जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री कह गए थे वो नहीं कर पाए, वो अकेला हम समाज सेवी अपनी खुद की दम पर कर रहे हैं। और जो इंसान की जरूरत है, जिसके लिए आम जनता लड़ाई लड़ती है, रोटी कपड़ा और मकान, उसमें से एक जरूरत मकान की हम अकेले बुंदेलखंड में पूरी कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी मैं एक बात कहूंगा संदीप साहब, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए हम थोड़ा सा दर्शकों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। त्रिवेंद्र साहब और संदीप जी, संदीप साहब जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कि कई पत्रकारों में एक अलग पेशे की चीजें घुस गई हैं और मिक्सअप हो गई है। कई पत्रकार ऐसे हैं जो विपक्ष की भूमिका निभाने से नहीं थक रहे, वो खुद को ही विपक्ष मानकर बैठे हैं। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो खुद को सरकार मानकर बैठे हैं, सरकार के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। और कुछ पत्रकार आजकल ऐसे हैं जो खुद को विपक्ष मानकर बैठ जाते हैं कि हम ही हमें विपक्ष, हम ही सब सवाल पूछ देंगे, या तो हम गोदी हैं या तो हम विरोधी हैं, दो ही हैं। तो ऐसा मिक्सअप हो गया है पत्रकारों में भी। पत्रकार जो दरअसल उसकी भूमिका थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती गई, ऐसी समाज सेवियों के साथ है। समाज सेवी पहले थे, आज भी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अच्छे पत्रकार आज भी हैं, ऐसे ही समाज सेवी आज भी हैं, लेकिन समाज सेवियों में कौन घुल गया है? समाज सेवियों में दरअसल नेता वाला तड़का लग गया है। आजकल बड़े बड़े नेता 10-10 फॉर्च्यूनर्स हैं और कम से कम 50-60 चेला चिंटू, राइफल बंदूक सब, इस हाथ में 10 अंगूठी, इस हाथ में 10 अंगूठी, एक उंगली में 2-2 अंगूठी और गले में ये सोने की मोटी चेन जिससे गांव में बैल बांधी जाती है वो, और इतनी सोने की मोटी चेन वेन पहन के 10 गाड़ियां, 50-60 चेला चिंटू, और बोलते हैं भाई हम समाज सेवी हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आज तक संदीप जी, ये कौन सी समाज सेवा है और ये कैसे होती है, कैसे की जाती है, और इसकी नौकरी कहाँ है, सीवी कहाँ भेजना है? तो ये समाज सेवा तो मुझे भी करनी है जिसमें इतना ज्यादा मेवा है। अरे सर ऐसा है कि हमारे यहाँ जब कोरोना काल में झांसी में स्थिति बहुत खराब थी तो सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट हम खुद स्वयं लगा रहे थे। उसके बाद जब हमने देखा कि झांसी में कई परिवारों के पास उनका अंतिम संस्कार, जब आदमी की डेथ हुई उनके लिए पेमेंट नहीं था उस समय, तो उसके समय हम लोगों ने 101 बहनों को 5 करोड़ 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिए थे झांसी में। और अब की बार अभी चुनाव होने के बाद 1100 बहनों को 55 करोड़ का इंश्योरेंस हम लोग खुद स्वयं अपनी तरफ से दे रहे हैं, बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना किसी लोगों की सहायता से। और एक और चीज है, और जी कही संदीप जी, रखिए संदीप जी बात रखिए बात। हाँ जी हाँ जी, तो जो काम हम लोग कर रहे हैं समाज सेवा के रूप में वो शायद आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिलेगा। अभी हम लोग जो पत्रकारों की बात आप कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के 450-500 पत्रकार करीब है छोटे बड़े मिला के हमारे यहाँ झांसी में, तो सारे पत्रकारों को, और झांसी में 200 कुली है, उन कुलियों को 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट 30 फुट की रोड पर बिदृष्टि दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, अरे बड़ा बढ़िया काम कर रहे तो हैं। तो समाज सेवा में क्या है, कौन आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग जिस स्तर से करते हैं उस स्तर से वास्तविकता में जो हमारे यहाँ के परेशान लोग हैं उनके आंसू पहुंचने का काम करते हैं। बिल्कुल संदीप साहब, अभी आपको भी इस पर भी आता हूँ, लेकिन सबसे पहले देखिए युवा कितना चंचल है। आप बिल्कुल स्थिर बैठे हैं लेकिन तब से त्रिवेंद्र साहब नहीं मान रहे, त्रिवेंद्र साहब इधर उधर इधर उधर पूरा घर घूम रहे हैं तब से। त्रिवेंद्र साहब एक जगह स्थिर हो जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए। अब संदीप साहब मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि देखिए जनता जो है हर चीज समझती है। ये जो नेता जो मंच से दावे वादे हर साल हर नेता करता है, और ठीक है करना भी चाहिए, ये उनके काम का एक हिस्सा है कि जनता तक अपनी बात रखना, लेकिन अब जनता भी सब समझती है। ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं अब तो संदीप साहब कि अखिलेश यादव की रैली चल रही है और धीरे से पास आके वीडियो में बोल दिए अरे हम तो भाजपा के हैं भैया, और भाजपा की रैली चल रही है तो उसमें अखिलेश, अरे अखिलेश यादव जिंदाबाद, तो सब मिले हुए हैं। और ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि अगर नियत साफ है, जैसे कि अभी आपने कहा कि मैंने ये काम किए, अगर नियत साफ है, आप बिल्कुल साफ नियत से अगर जनता की सेवा कर रहे हैं, तो मैंने ये भी देखा है, आपको भी पता होगा, एक जगह की बात है, जगह याद नहीं आ रही, वहां पर एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना,
और जनता उसको घर से उठा लेगी कि चलो नहीं नामांकन भरो चल के, तुम चुनाव लड़ोगे, हमें तुम्हें जितवाना है। तो ऐसा है, जनता सब समझ जाती है कि कौन किसके लिए क्या काम कर रहा है। क्यों त्रिवेंद्र साहब? सही बात। अब त्रिवेंद्र साहब तो इसी बात से हैं कि त्रिवेंद्र साहब ये बताइए, सबसे पहले संदीप जी के पास वापस आएंगे, लेकिन त्रिवेंद्र साहब बेरोजगारी जो है ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर बहुत परेशान है लोग। बिल्कुल भाई, क्या है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय युवाओं को परेशान कर रही है कहीं ना कहीं, और बुंदेलखंड में तो ये सबसे ज्यादा ही है। क्योंकि एक तो यहाँ पर वैसे भी रोजगार नहीं है, इतना आदमी जागरूक भी नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर जब से कोरोना काल हुआ है, जब से बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, व्यापार बिल्कुल ठप है, व्यापार चल नहीं रहे, और नेता है कि वादे करने से बिल्कुल वादे करते ही रहते हैं, एक के बाद एक नए वादे, लेकिन पूरे वही नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ हो धरातल पे। हम भी उम्मीद करते हैं सरकारों से कुछ युवाओं को रोजगार मिले, और बुंदेलखंड के तो ये समझ लो सबसे बड़ी समस्या पानी की रहती है। आज पानी भी ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है घरों पे, रोजगार पानी ये तो मूलभूत हमारे लिए समझ लो सुविधाएं नहीं है जो नहीं मिल पा रही है। त्रिवेंद्र साहब, सबसे पहले तो जो सरकार मूलभूत सुविधाएं ना दे पाए उसको बदल दो, दोबारा सरकार आए वो भी ना दे पाए उसको भी बदल दो, और इनको बदलते रहो बदलते रहो बदलते रहो जब तक पानी साफ ना आ जाए, मूलभूत सुविधाएं जब तक ना हो जाए तब तक बदलते हो रहा है। और बेरोजगारी जो है उसको लेकर एक चीज बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, बेरोजगार दरअसल दो तरह के होते हैं संदीप जी, बेरोजगार भी दो तरह के हैं जी। अब एक युवा है, सुबह उठा, घर से बाहर निकला, हाथ में खैनी मली खाई दबाई और गया एक पार्टी में, घूम रहा है रथ साइकिल से मोटरसाइकिल से पूरे दिन, नेताजी जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद, रात में घर आ रहा है, फिर खैनी दवाई बाहरी अंदर घुसा घर के, अब माता जी कह रही कि कहाँ थे पूरे दिन, कहीं नहीं नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही है, बड़ा परेशान है, तो ऐसा भी बेरोजगार है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है संदीप जी कि सरकार के पास वैकेंसी है लेकिन सरकार नहीं भर रही, ये सरकार की गलती है, लेकिन युवाओं को भी अब समझना होगा कि अपना भविष्य कैसे बनाना है। सर ऐसा है कि झांसी के अंदर हमने खुद 4,500 लोगों को रोजगार दिया है अकेले सरकारी सरकारी तौर पे उनकी सहायता करने के बाद, और अगर आदमी साक्षर हो जाए, मतलब जो चीज की नॉलेज उसे होना चाहिए वो है ही नहीं है, हम लोगों में जहां हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए युवाओं को, उन्हें वो मार्ग दिखाई नहीं जाता, उन्हें जातिवाद में धर्म में इन सब में बांट कर रख दिया गया है, और सच ये है कि शोषण हो रहा है सभी युवाओं का, और कुछ नहीं है भाई, इस भविष्य देश के भविष्य का टोटल शोषण हो रहा है। बिल्कुल यही बात है। अब क्या होता क्या है संदीप साहब, क्योंकि आप इस चीज को बेहतर समझते भी, और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा सुनकर आपकी बात, लेकिन संदीप साहब अगर किसी व्यक्ति के पास भाई संदीप साहब अब अगर कोई व्यक्ति गलत एक्टिविटीज में लिप्त है, उसका आवारागर्दी करना है, तो आप भी उसको रोजगार देने में परहेज करेंगे कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, असल में गलत जो मतलब आप कह रहे हैं लोग बाग हो जाते हैं, सत्य यह है कि वो इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई सही आदमी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है ना, अगर आपका मार्गदर्शन करने वाला सही आदमी इस दुनिया में है, या आपका कोई ईष्ट है, आपका गुरु अच्छा है, तो इस बात का यकीन मानना आप, हर आदमी रोजगार करना चाहता है, गंदगी फैलाना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल। अब इसके पीछे है क्या? चूंकि काफी समस्या है सर, हम बताएं, क्योंकि हमने तो सरकार से कभी सहायता मांगी नहीं, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी सत्ता है या कोई भी पार्टी जो बैठती है, हमने तो भी किसी पार्टी की शपथ भी नहीं ली है, लेकिन हम आपको इस बात का वचन दे रहे हैं कि 403 विधायकों में से कोई भी विधायक वो नहीं कर सकता जो मैं संदीप सुराव की समाज से भी अकेला कर सकता हूँ, झांसी का, झांसी नहीं पूरे बुंदेलखंड में हर आदमी की रोटी कपड़ा और मकान में से मकान की टेंशन तो 24 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हैं हम, क्योंकि आप जो सोचो ना कि पूरे अपने उत्तर देश में 19,700 कुली हैं सर, उत्तर प्रदेश में 3-4,000 के आसपास, और झांसी में 200 कुलियों को आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया, उनको प्लॉट रहने की व्यवस्थाएं सब अर्जित मैं अकेला करा रहा हूँ बिना सरकारी सहायता की, ऐसे ही जो बहनों को 55 करोड़ का इंश्योरेंस दे रहा हूँ उसमें भी कोई किसी से कोई सहायता नहीं ले रहा हूँ, और मैं ताज जिंदगी सेवा करने के लिए अभी मैं प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो झांसी में मैन लाइट चौराहे पे वापस डाल रहा हूँ, किसी भी परेशान व्यक्ति को कोई भी दिक्कत है आप कृपया आगे सिर्फ हमारे वापस तक आ जाएं, वो निपटाने का उसका साथ देने का पूरा संकल्प हम लोग लिए।
और दर्शकों तक भी ये पहुंच रहा होगा मैसेज कि आप जो काम कर रहे हैं लोग भी आपसे सहायता अगर किसी प्रकार की हो सके कि लेंगे, और आपका बहुत बहुत साधुवाद, आप बहुत जनता की सेवा कर रहे हैं, आपके जैसे और भी लोग हो जाएं तो प्रदेश का कुछ कल्याण हो जाए। लेकिन दरअसल समस्या संदीप जी, अब बीमारी जहां है, घाव जहां है, वहां नहीं ढूंढ रहे हैं, कहीं और ढूंढ रहे हैं। अब चोट लगी है बाएं पैर में, सही कह रहे हैं, और डॉक्टर इलाज कर रहा है दाएं पैर में, समस्या कहां है? बेरोजगारी, आपने जैसे कि कहा कि मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और बहुत ज्यादा सुधार उत्तर प्रदेश में करने की आवश्यकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश और गुजरात बहुत अंतर है। अंतर कहां है कि उत्तर प्रदेश में आज तक रिवॉल्यूशन नहीं आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आज तक हुआ ही नहीं यहां पर, और ना कभी कोई सोच रहा है इस चीज को लेकर। तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है, वरना तो ये चलता ही रहेगा, जात पात जाति धर्म। एक चीज और बता देता हूं, एक चीज और कहता चलता हूं संदीप से, कि जाति के लिए ना मैं हमेशा एक बात कहता हूं संदीप जी, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखें तो बताइएगा, जात सिर्फ दो हैं, एक है आम लोग और एक है अरिस्टोक्रेसी, और ये दोनों कभी मिल ही नहीं सकती। आम लोग हम सब हैं, हम लोग आपस में मिलकर जैसे आप सेवा कर रहे हैं लोगों की, ऐसे आप सभी सब चल रहा है, लेकिन जो अरिस्टोक्रेसी है वो अलग है। अब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ अगर पीठ पीछे मिलते होंगे कमरों में तो वो हाथ ही मिलाते होंगे, और वहीं अगर अलीगंज में सपा कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता मिल गया तो सर फोड़ देगा एक दूसरे का। अभी आपके यहाँ झांसी में हुआ है, सर, आम पब्लिक की मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब कर दी गई है ये बंटवारा करके, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा भारत वर्ष है, हम लोग चाहें तो पूरे वर्ल्ड में सर्वोपरि हो सकते हैं, लेकिन हमारी खुद की कुछ कमी है, हमारी नेतागिरी, हमारे लोग जो परेशान कर रहे हैं या जो सही मतलब मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से जो युवाओं का शोषण हो रहा है और सारे रोजगार की व्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, वरना ना रोजगार की कमी है हिंदुस्तान में, ना किसी चीज की कमी है। बिल्कुल, हमारे यहाँ लेबर भी बहुत है, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बहुत है, जमीन भी बहुत है, उपजाऊ भी बहुत है, ऐसा नहीं है सर, लेकिन सही तरीके से जो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, और संदीप साहब, अगर सबको रोजगार मिल गया, और मुझे तो लग रहा है संदीप साहब आप पर भी कहीं जांच ना बैठ जाए, अगर सबको रोजगार मिल गया तो फिर झंडा बैनर कौन लगाएगा, दरी कौन बिछाएगा, पार्टी कार्यालय में भीड़ कौन इकट्ठी करवाएगा, ये सब भी तो काम है, ये सब भी तो होना है सर, लेकिन लेकिन स्वार्थ के लिए जिंदगी जीने को हम काम नहीं मानते सर, ये बात बिल्कुल सही। हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे झांसी के अंदर हमारी महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का नाम है, ध्यानचंद दत्ता का नाम है, और मैं यही झांसी वासियों के लिए मेरा संदेश भी, और आपसे यह मैं बात करने जा रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में रुपया जोड़ पाऊ ना जोड़ पाऊ, लेकिन वसीयत में अपने बच्चों को ये नाम देकर जरूर जाऊंगा कि हाँ संदीप सरावगी ने ऐसा ऐसा काम किया है, वो मेरे पिता थे, आप सब लोग पूरी झांसी पहचाने कि संदीप सरावगी बच्चे हैं। बहुत मेरा उद्देश्य स्वार्थपूर्ण कभी रहा ही नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके सच में बहुत अच्छा लगा। कभी कभी कुछ लोगों से मिलकर अच्छा लगता है कि वो जनता के लिए दिल से काम कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत साधुवाद। त्रिवेंद्र साहब से कुछ बात करते हुए चलेंगे। त्रिवेंद्र साहब, कोई मैसेज हो अगर आपका, एक युवा के तौर पर, एक युवाओं की आवाज के तौर पर अगर आपका कोई मैसेज हो तो आप देना चाहें तो। मैं युवा के तौर पर यही मैसेज देना चाहूंगा कि भाई नेताओं के झांसे में ना आए और निष्पक्ष होकर चुनाव करें, और जो वास्तव में काम करने वाला है उसको चुने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के, हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज झांसी विधानसभा की हम बात कर रहे थे कि झांसी नगर में आखिर चल क्या रहा है, सियासी ताप क्या है, और आखिर माहौल क्या है, और साथ ही साथ जमीनी जो नब्ज होती है ना जनता की, उसको टटोलने की भी कोशिश की, और बाकी हवा के शोर बह रही है इसको अपने कार्यक्रम के जरिए आपको बताने की संपूर्ण कोशिश की है। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल के लिए शुक्रिया।